Hey, what's up guys? तो आज हमारे पास है MSI का GL63 लैपटॉप। ये MSI के बजट गेमिंग लैपटॉप की सीरीज में आता है और इस लैपटॉप के दो मॉडल आते हैं, एक 8RC है और दूसरा 8RD। तो मैं इन दोनों मॉडल्स के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। अगर आपको ऐसे डिजाइन चाहिए जो सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो, तो मेरे ख्याल से आपको MSI GL63 बहुत पसंद आएगा। लास्ट ईयर GL62 आया था और अब के GL63 आया है, जिसमें 8th Gen CPU को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन दोनों में डिजाइन वाइज कोई मेजर चेंज नहीं है, बस GL63 में एक रेड आउटलाइन देखने को मिलती है, बाकी सारे डायमेंशन बिल्कुल सेम है। इस लैपटॉप पर फिंगरप्रिंट बहुत आसानी से छप जाते हैं और ये ऑयल एंड डस्ट भी होल्ड करके रखता है। इस लैपटॉप से ऑयल्स के मार्क्स को क्लीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूं कि MSI को इन लैपटॉप में एल्यूमिनियम देने चाहिए। इस लैपटॉप की हिंजेस काफी हार्ड एंड स्टिफ है, टाइम के साथ साथ इनकी स्टिफनेस और भी बढ़ जाएगी, तो जब भी आपको लगे कि हिंजेस टाइट हो गई हैं, उसे रिप्लेस कर देना, क्योंकि अगर लोड बहुत ज्यादा हुआ तो बॉडी क्रैक भी कर सकती है। तो दूसरे गेमिंग लैपटॉप जो सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, लेकिन MSI के लैपटॉप में गेमिंग टैग होने के बावजूद भी इसका वेट 2.2 kg का ही है। तो आज की डेट में ये गेमिंग लैपटॉप काफी हल्का है और इसे आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो इस लैपटॉप में सारे पोर्ट्स हैं, USB टाइप सी भी है और लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह USB पोर्ट्स हैं, एंड माइक्रोफोन और ईयरफोन दोनों के लिए सेपरेट जैक दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसमें थंडरबोल्ट 3 पोर्ट नहीं है और देखा जाए तो इंडिया में जितने भी बजट गेमिंग लैपटॉप है उनमें किसी में भी नहीं है। तो अब की बार आपको इसमें ड्रैगन सेंटर 2 मिलता है, जिसको रीडिजाइन किया है और बहुत सी नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कम है, नॉर्मल वर्क में आपको 3 या 4 घंटे का बैकअप ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है। सच कहूं तो डिस्प्ले एवरेज है, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें एक IPS डिस्प्ले है, और इतना बता दूं कि सनलाइट में विजिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं हीलियस 300 से, तो हीलियस 300 की स्क्रीन ज्यादा बेटर है, बट डिफरेंस बहुत माइनर सा है। इस लैपटॉप के दो मॉडल आते हैं, एक 8RC और दूसरा 8RD। तो 8RC वाले में आपको i5 8th Gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 1TB हार्ड डिस्क और 4GB 1050 GPU मिलता है, और 8RD में आपको i7 8th Gen CPU, 128GB SSD, 8GB RAM, 1TB हार्ड डिस्क और 4GB 1050 Ti GPU मिलता है। तो यहाँ पे 8RC की प्राइस है 58,000 रुपीस और 8RD की प्राइस है 73,000 रुपीस। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो इन दोनों लैपटॉप में बहुत से गेम टेस्ट किए और उनके FPS स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। अब आप लोग सोचोगे कि यार 58K में इस लैपटॉप को लेने से अच्छा है 4000 रुपए और देके Asus FX504 या फिर Helios 300 ले लें, जिसमें हमें SSD और 1050 Ti दोनों मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या है इन लैपटॉप में जो इनकी प्राइस इतनी ज्यादा है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि MSI की ये लैपटॉप डिजाइन के मामले में दूसरे लैपटॉप से काफी बेहतर है। इनमें एयर फ्लो के लिए वेंट्स ज्यादा है, फिर भी सारे पोर्ट्स को अच्छे से मैनेज किया गया है, और इसमें आपको 7 हीट पाइप्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी कूलिंग जो होती है बहुत एफिशिएंट हो जाती है, एंड इतना अच्छा थर्मल डिजाइन आपको किसी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा, और ये लैपटॉप वेट में भी बहुत कम है। तो ये सारे डिजाइन फैक्टर मिलकर इस लैपटॉप को थोड़ा कॉस्टली बनाते हैं। और एक वजह ये भी है कि इस साल हमने Acer Helios 300 और Asus का FX504 इन दोनों के प्रमोशन देखे होंगे। मतलब आप जब भी फ्लिपकार्ट पर जाते हो, तो आपको अगर गेमिंग लैपटॉप सर्च करते हो, तो आपको ये दोनों लैपटॉप भी टॉप पे देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब की बार Acer ने अपने प्रोडक्ट को बहुत पुश किया है, लेकिन अब की बार देखा जाए तो MSI ने अपने लैपटॉप्स के इतने प्रमोशन किए नहीं है। तो 2016 एक इकलौता ऐसा ईयर था जिसमें MSI के लैपटॉप काफी सस्ते मिले थे, तो अब के 2019 में देखते हैं कि शायद हमें MSI के लैपटॉप पर ज्यादा अच्छे डील्स देखने को मिल जाए। तो MSI के इस लैपटॉप में आपको स्टील सीरीज कीबोर्ड, लाउड स्पीकर्स और ड्रैगन सेंटर, ये सारे कॉम्बिनेशन भी है जो इस लैपटॉप को कॉस्टली बनाते हैं। लेकिन इंडिया में हम स्पेसिफिकेशंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं, इसी वजह से हीलियस 300 आज की डेट में मोस्ट सेलिंग गेमिंग लैपटॉप बना है, जिसमें डिजाइन भी अच्छा और स्पेसिफिकेशंस भी, दोनों चीजें 50-50 के रेशियो में। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो, तो एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना, क्योंकि आने वाले सालों में गेम्स और भी ज्यादा हैवी हो जाएंगे। ऐसे में 8RD एक परफेक्ट लैपटॉप है, बट 8RC से बेटर है आप हीलियस 300 ले लेना। तो दैट्स इट गाइस, तो ये था MSI GL63 का फुल ओवरव्यू। अगर आपके पास ये लैपटॉप पहले से है, तो आप इसका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।